Hello friends, welcome to my channel and my name is Sumit Sharma and in this channel we learn English. So today we are going to learn some basic modals, can and should. So these are called modals. इन्हें हम मॉडल्स कहते हैं. इसको can and इसको should. So इस वीडियो में हम can and should के uses सीखेंगे. Can क्या होता है? Can होता है आपका कर सकना. जब किसी भी काम को हम कर सकने की बात करते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं खा सकता हूँ तो मैं खाना खाने के काम को कर सकने की बात कर रहा हूँ तो मैं कैन का इस्तेमाल करूँगा. मैं खेल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, या फिर मैं बाइक चला सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, या फिर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? कैन का इस्तेमाल करेंगे, कर सकना. तो हमें क्या यूज़ करना होगा? पहले हम सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर लेंगे. सो कोई भी सब्जेक्ट हो आपको कैन ही लगाना है. जैसे मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो आई, मैं की बात, फिर हम लगाएंगे कैन. आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. यहाँ पर हम इन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हम इंग्लिश की भाषा में बोल सकते हैं. अगर मैं कहता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स दैट आई एम टेलिंग दैट आई कैन प्रोनाउंस द वर्ड इंग्लिश. सो इसीलिए हम इसमें इन लगाते हैं. और एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैं कहूँ आई कैन राइड बाइक. आई कैन राइड बाइक. मैं बाइक चला सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ शी कैन कुक द फूड. शी कैन कुक फूड. वह खाना बना सकती है या बना लेती है. इसका सेंस ऐसे भी कर सकते हो आप कि बना लेती है. शी कैन कुक द फूड, या फिर उसे बनाना आता है. इसमें सिर्फ हम एबिलिटी की बात करते हैं. हमारी जो भी एबिलिटी है, जो मैं कर लेता हूँ या कर सकता हूँ, या जो चीज़ मुझे आती है. तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, या फिर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. आई कैन राइड अ बाइक, तो मुझे बाइक चलानी आती है, या मैं बाइक चला सकता हूँ या बाइक चला लेता हूँ. इस तरह की हिंदी जाएंगी. तो इसमें ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए हमारे. इनको अगर मैं नेगेटिव बनाऊँ तो मुझे क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस में आई विल जस्ट ऐड नॉट. मुझे नॉट ऐड करना है तो नेगेटिव बन जाएगा. किसके बाद? हम कैन के बाद नॉट ऐड करेंगे. जैसे मैं कहता हूँ मैं बाइक नहीं, या फिर मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता. सो आई कैन नॉट ड्राइव अ कार. मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता हूँ. जैसे मैं कहता हूँ आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ. इसी तरह से आप कोई भी नॉट के सेंटेंस में खा नहीं सकता हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता हूँ. जैसे वह मेरे साथ मेरे वह मुझे धोखा नहीं दे सकता है. ही कैन नॉट चीट विद मी. सो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता. इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? वी विल जस्ट पुट द मॉडल बिफोर द सब्जेक्ट. हम मॉडल को उठा करके सब्जेक्ट के आगे लेकर जाते हैं. कैसे? ऐसे मैं कहता हूँ क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है, क्या तुम खाना बना सकते हो, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो मैं कैन आगे लेकर आऊँगा. जैसे कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा देना आपको. जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, या क्या तुम खाना बना लेते हो. कैन यू कुक फूड, क्या तुम खाना बना लेते हो. सो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए. अब इसमें आप इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो. क्या तुम नहीं कर सकते हो? इंटरोगेटिव नेगेटिव. सो क्या तुम, यहाँ पर हम क्या कर सकते हो की बात. क्या तुम बोल सकते हो, क्या तुम बाइक चला सकते हो, खाना बना सकते हो, क्या तुम मुझसे बातें कर सकते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो. कैन यू हेल्प मी, कैन यू गो देयर, कैन यू कम विद मी, कैन यू कुक फूड फॉर मी, कैन यू टीच मी इंग्लिश. आप ऐसे करके बना सकते हो. अब क्या तुम नहीं कर सकते हो? जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम बाइक नहीं चला सकते. कैन यू नॉट राइड बाइक, क्या तुम बाइक नहीं चला सकते.
जैसे क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकते, कैन यू नॉट कुक फूड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकते। इस तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। और डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल आप करना चाहो तो आप कहोगे कि आप क्या कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो, है ना। जैसे मैं कहता हूँ क्या आप क्या बना सकते हो, वॉट कैन यू कुक, तुम कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो। इसी तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव या फिर डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ये हमारा कैन कंप्लीट हो जाता है। कैन में एक चीज़ और है, जैसे अगर आप कैन नॉट कहते हो तो उसको एब्रीविएट करके आप कांट कह सकते हो। इन जब इनकी वर्ड इन दोनों वर्ड्स की जगह पर आप कांट लिख सकते हो। जैसे आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, यू वुड से आई कांट ड्राइव अ कार। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, यू वुड से आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। ही कैन नॉट चीट विद मी, यू वुड से ही कांट चीट विद मी। सो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करोगे। तो अब हम शुड पर आ जाते हैं। शुड का मतलब होता है आपका करना चाहिए। सो जब हम सजेशंस देते हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी को सजेशन दें, तुम्हें खाना खाने चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें खाना बनाना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप शुड का इस्तेमाल करते हो, करना चाहिए वाले। फिर इसी रूल्स आपके सारे सेम रहेंगे। आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, फिर उसके बाद शुड लगाओगे, फिर वर्ब लगा दोगे आप। जैसे वर्ब क्या होता है आपका, जो भी एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे खाना पीना, नहाना धोना, गो ईट ड्रिंक जंप हेल्प, ये सारे आपके हेल्पिंग सॉरी वर्ब्स हो जाते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, सो यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, या फिर मैं कहता हूँ तुम्हारे भाई को इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो मैं कहूँगा योर ब्रदर शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हारे भाई को इंग्लिश सीखनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, सो यू शुड स्टे, स्टे का मतलब होता है रहना, स्टे विद मी, मेरे साथ आप लगाओगे मी, स्टे मीन्स रहना। जैसे हम कहीं पर थोड़ी देर के लिए रहते हैं तो उसे हम स्टे कहते हैं। अगर मैं घर में रुक जाऊँ तो मैं स्टे कर रहा हूँ, मैं लिव नहीं कर रहा हूँ। जहाँ हम परमानेंट रहते हैं वहाँ पर हम लिव लगाते हैं, जैसे आई लिव इन दिल्ली। अगर मैं परमानेंट में और टेम्पररी रुकता हूँ कहीं पर, जैसे आई एम स्टेइंग इन माई विलेज फॉर 2 weeks, सो मैं 2 हफ्ते के लिए यहाँ पर ठहर रहा हूँ। इसी तरह से आप नेगेटिव इसमें बना सकते हो। नेगेटिव में आप क्या करोगे, शुड नॉट लगाओगे। जैसे मैं कहता हूँ मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट टॉक टू हिम, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ उसे खाना नहीं बनाना चाहिए, शी शुड नॉट कुक फूड। इस तरह से आप नेगेटिव बना दोगे, शी शुड नॉट कुक फूड। आप इंटरोगेटिव बनाते वक्त फिर से आप हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल जो आपका उठकर के आगे जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास शुड मॉडल है, हम इसको उठा करके आगे ले आएंगे। सो इंटरोगेटिव में शुड आगे आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। एंड देन यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसे मैं कहता हूँ क्या मुझे उससे दोस्ती करनी चाहिए, शुड आई बी फ्रेंड हिम। बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती करना या दोस्त बनाना। सो क्या मुझे उसे दोस्त बनाना चाहिए, शुड आई बी फ्रेंड हिम। सो उसी तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दो, शुड नॉट
लगेगा इसमें और शुड आगे आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ क्या मुझे उससे बात ही नहीं लेनी चाहिए, शुड आई नॉट टॉक टू हिम, क्या मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, शुड आई नॉट गो देयर। फिर आप डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, तो आप लगाओगे व्हाट शुड आई डू, कहाँ जाना चाहिए तो आप कहोगे वेयर शुड आई गो। इसी तरह से आप कहोगे मुझे किससे बात करनी चाहिए, हु शुड आई टॉक टू, मुझे किसके साथ रहना चाहिए, हु शुड आई स्टे विद, हु शुड आई टॉक टू, या फिर आप कह सकते हो व्हाट शुड आई ईट, वेयर शुड आई लर्न, वेयर शुड आई गो, वेयर हाउ शुड आई हेल्प हिम। इस तरह से आप डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कैन, कैन का मतलब आप कहोगे कर सकना, आई कैन गो, आई कैन जंप, आई कैन हेल्प यू, आई कैन ईट फूड, आई कैन कुक फूड, आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन डू दिस एंड डू दैट, आप ऐसे करके कहोगे। नेगेटिव में आप कहोगे आई कैन नॉट, तो आप लगाओगे आई कैन नॉट ईट, आई कैन नॉट जंप, आई कैन नॉट हेल्प यू, आई कैन नॉट गो देयर, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, आई कैन नॉट टेक माई एग्जाम्स, आप ऐसे करके कहोगे। इंटरोगेटिव में आप कैन को आगे लेकर के आओगे और आप कहोगे कि कैन आई गो देयर, कैन यू हेल्प मी, कैन यू कुक फूड फॉर मी, कैन यू गिव मी सम मनी, इस तरह से आप कहोगे। और कैन यू नॉट आप लगाओगे इंटरोगेटिव नेगेटिव में, जैसे आप कहोगे कैन यू नॉट हेल्प मी, कैन यू नॉट गो देयर, कैन यू नॉट स्टडी, क्या तुम पढ़ नहीं सकते, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, क्या तुम वहाँ जा नहीं सकते, इस तरह से। और डब्ल्यू एच लगाना है तो आप व्हाट लगा करके, वेयर लगा करके डब्ल्यू एच वर्ड्स आगे लगा दो और सेंटेंस को वैसे ही सेम रखो। जैसे व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, तुम कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो, तुम किससे बात कर सकते हो, हु कैन यू टॉक टू, तुम क्या बना सकते हो, व्हाट कैन यू कुक, इस तरह से आपके कैन खत्म हो जाएंगे। शुड में आपको करना है, करना चाहिए, I should go there, I should help him, I should study, I should learn English, I should speak English. Negative में आप कहोगे I should not go there, I should not help him, I should not study, I should not learn English. और interrogative में कहोगे आप should आगे लगा दोगे, जैसे should I go there, should I not go there, आप ऐसे interrogative negative बना सकते हो, should I help him, should I eat this, should I not eat this, आप ऐसे WH लगाने के लिए आप डब्ल्यू एच फैमिली आप लगाते वक्त डब्ल्यू एच आगे लगा दोगे और शुड का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई गो, हु शुड आई टॉक टू, वेयर शुड आई स्टडी, वेयर शुड आई ज्वाइन इंग्लिश क्लासेस, ऐसे करके आप डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल शुड में भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल कीप गिविंग यू सम ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ दैट आर प्रेजेंटेड ऑन यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।